नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज जो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। बहुत ही आराम से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि आपको याद होते हुए चले जाएँ। ठीक है, और जो आपका बीए जो क्लास होता है ना, बीए जो होता है उसमें आपको हेडिंगों पर कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अगर हेडिंग एग्जाम में आपने नहीं लिखोगे अच्छे प्रकार से तो आपको नंबर अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तो शिक्षा नीति आ चुकी है तो अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 6 महीने के अंदर होंगे तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। तो पहली बात करते हैं, आज से हमारी स्टार्ट होने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो जाती है राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पर फर्स्ट क्लास देखने को मिलने वाली है। पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट होगा अपना फर्स्ट, यूनिट भी यहाँ पर फर्स्ट रहने वाली है। तो बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिलता है आपको यहाँ पर और भारत का संविधान देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, आगे एग्जाम में भी आपको बहुत ही काम आने वाला है पॉलिटिकल साइंस, इसलिए बहुत ही अच्छे प्रकार से एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखना, क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन की अर्थ आपको पता होगी ना तो आराम से उसकी हेडिंग भी आप लिख सकते हो और समझ में आएंगी आपके लिए। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। प्राचीन मतलब क्या होता है, पुरानी बात। ठीक है, प्राचीन माने पुरानी। तो कह रहा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो पहले का भारत के अंदर राजनीतिक जो चिंतन था उसके बारे में आपको क्या करना है, उसकी विशेषता लिखना है और विशेषता की हेडिंग डालकर उसका क्या करना है, वर्णन करना है। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया तो इसकी हेडिंग अब आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ इस प्रकार से हेडिंग इसकी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो कॉपी में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, उसके बाद लाइन में कर देंगे बंद उसके लिए। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे नीचे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर कॉपी में। उसके बाद लिखना है सबसे पहले प्राचीन भारतीय राजनीति हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी जिसमें हमें प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगी। तो वो हम थ्योरी यहां पर देखने वाले, हेडिंग नहीं है मगर आपको हेडिंग डालना पड़ेगी। ठीक है, कॉपी के अंदर तो देखिएगा बात करते हैं, दे रखा है प्राचीन भारतीय राजनीति, हमने हेडिंग डाल दी, उसके बाद उसके बारे में लिखने वाले हैं। दे रखा है भारतीय राजनीतिक चिंतन वा सभ्यता अति प्राचीन है, कैसी है, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी है। फिर देखा है वैदिक काल से चिंतन की गौरवमयी परंपरा कायम है। तो जो वैदिक काल, सबसे पहले क्या आया था, वैदिक काल, उसके बाद कौन आया था, लौकिक काल, उसके बाद कौन, सॉरी वैदिक काल आया था, फिर लौकिक काल आया था, है ना, फिर उसके बाद संस्कृत आई थी, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी का विकास हुआ था। तो वो कह रहा है वैदिक काल बहुत पुराना, वैदिक काल से चिंतन की गौरवमयी परंपरा कायम है। उसके बाद कह रहा है मनु को क्या कहते हैं, प्रथम राजनीतिक चिंतक माना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में भी आपका बन सकता है ये। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है। ठीक है, फिर देखा है इन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की है, इनका ग्रंथ भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। तो मनु ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो वह हो जाता है अपना मनुस्मृति ग्रंथ। ठीक है, बात करते हैं मनु के अलावा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में और भी कई रहे हैं, कौन हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वह अपने हो जाते हैं लोगों का योगदान रहा, जिनमें से कौन है, जिनमें से एक हो जाते हैं शुक्र और हो जाते हैं कौटिल्य और हो जाते हैं भीष्म, तीनों के नाम रट लीजिएगा। बात करते हैं प्रथम राजनीतिक चिंतन कौन हो गए, मनु जी, इनका ग्रंथ कौन हो गया, मनुस्मृति, और भी कुछ मुख्य राजनीतिक कौन हो जाते हैं, शुक्र हो जाता है, कौटिल्य हो जाता है और भीष्म हो जाते हैं। तो बात करते हैं जैसे अनेक व्यक्तित्व शामिल हैं, फिर देखा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर रखा जाता है, धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर रखा जाता था, इसके साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहले किसे रखते थे प्राचीन में,
यहां दे रखा है, देखो ध्यान से, धर्म को और किसको, राजनीतिक को एक साथ जोड़कर रखा जाता था। क्योंकि आपको पता है पहले जो छोटे लोग, छोटे धर्म के लोग थे, जैसे कह सकते हैं नीचे लोग के, नीचे जाति होती है, तो वो क्या करते थे, नीचे के काम करते थे, और जो ऊपर जाति थी वो अच्छे काम करते थे। तो वही दे रखा है, धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर रखा जाता था। ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट कौन सी है। देखो हेडिंग की बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बात करते हैं पहली हेडिंग, मतलब राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो पहली विशेषता कौन सी हो जाती है, वह हो जाती है, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट विशेषता, लिखेंगे उच्च वर्गों द्वारा शासन का संचालन। तो उच्च वर्ग किसे कहते हैं, मतलब उच्च जाति के, उच्च जाति के जैसे कि राजा हो गए, उसके बाद ब्राह्मण हो गए, फिर वैश्य हो गए, है ना, तो इस प्रकार से इनकी जातियां डिवाइड थी। तो इस प्रकार से उच्च वर्गों द्वारा, उच्च वर्गों द्वारा वर्णों या फिर वर्णों द्वारा शासन का संचालन। ठीक है, तो बात करते हैं, हेडिंग हमने डाल दी, अब हम इसके बारे में थोड़ी देखेंगे। तो बात करते हैं प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। प्राचीन व्यवस्था जो थी, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का, किसका, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। बात करते हैं जिसके अनुसार, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से किसका हुआ, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और पेट से किसकी उत्पत्ति हुई है, पेट से वैश्य बर्ण की उत्पत्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ब्रह्मा जी के मुख से किसकी हुई है, ब्राह्मण की, भुजाओं से किसकी हुई है, क्षत्रिय की, और पेट से किसकी हुई है, वैश्य की बर्ण की उत्पत्ति हुई है। पैरों से क्षुद्र बर्ण की उत्पत्ति हुई है, किसके, शुद्र बर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको किसमें देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को यहां से मिल सकते हैं कि पेट से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको याद होना चाहिए वैश्य की, ठीक है, और ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति किसकी हुई है, तो मुख से ब्राह्मण की, और भुजाओं से क्षत्रिय की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकते हैं। बात करते हैं इन सभी वर्णों में ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मणों को हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जो ब्राह्मण थे उन्हें क्या था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण थे बिना ब्राह्मण की पूजा किए कोई भी कार्य संपन्न नहीं करते थे, ठीक है, प्रारंभ नहीं करते थे। बात करते हैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त है जिसका कार्य धर्म की व्याख्या, जिनका कार्य क्या था, धर्म की व्याख्या करना और धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करना। जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनकी अध्यक्षता करना किसके हाथ में था, वो था ब्राह्मणों के हाथ में। इन्हीं के द्वारा क्षत्रिय राजाओं का राज्याभिषेक भी किया जाता था। पहले के लोग क्या करते थे, ब्राह्मण ही क्षत्रिय का राज्याभिषेक करते थे। फिर देखा है ब्राह्मण वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग है उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन में संचालन की भूमिका का निर्वह करता था। इसका मतलब जो देखा है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शासन के संचालक की भूमिका थी, उसका निर्वहन कौन करता था, ब्राह्मण करता था। फिर देखो आगे देखा है कि वैश्य द्वारा व्यवस्था तथा, जो वैश्य होते हैं वैश्यों द्वारा व्यवस्था तथा वाणिज्य का संचालन किया जाता था। अब वैश्य किसे कहते हैं, वैश्यों के अंतर्गत आते हैं नीची जाति के, उससे नीचे जाति, जैसे किसान हो गए, ठीक है, और बहुत सारे हो गए, हल चलाने वाले हो गए, ठीक, किसान हो गए, और कह सकते हैं जो प्रजा होती है उनके बारे में होगी, जो कि राजा में, तो राजा में थोड़ी सी भूमिका निभाती है राजा के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर क्या हो गए, वैश्यों द्वारा व्यवस्था की जाती थी, जैसे व्यवस्था कहते हैं ना, राज्य की व्यवस्था करना, तो व्यवस्था तथा वाणिज्य का संचालन किया जाता था। अतः यह स्पष्ट है कि तीनों उच्च वर्णों का शासन व्यवस्था पर नियंत्रण था। जो तीन वर्ग थे उनका किस पर था, वैश्यों का और क्षत्रियों का और हो जाता है ब्राह्मणों का, इनका ऊंचा स्थान था। यहां पर यह दर्शाया गया है कि उच्च वर्णों द्वारा शासन का संचालन। तो तीन आपको याद करना है, ब्राह्मण हो गए, और कौन हो गए, वैश्य हो गए, और कौन हो जाते हैं अपने क्षत्रिय, सॉरी, और कौन हो जाते हैं, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, और एक और थे क्षत्रिय राजा हो गए, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर इतने ही हो जाते हैं उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, हेडिंग नंबर सेकेंड, हेडिंग नंबर सेकेंड, थोड़ा छोटा करते हैं इसे, बिल्कुल।
अब देखिएगा हेडिंग नंबर सेकंड के लिए, सेकंड क्या डालेंगे कारण, सेकंड कारण था राजनीतिक पर, राजनीति पर जाति आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव। मतलब जो राजनीति थी, राजनीति पर जाति की बात हो रही, जाति आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलता है प्राचीन में। ठीक है, जिनकी जाति नीची है वो नीचे काम करेंगे, जिनकी जाति ऊंची है वह ऊंचे काम करेंगे। तो यहां पर वही दर्शाया गया है, जैसे देखते हैं कि प्राचीन काल में जाति के, प्राचीन काल में जाति के सामाजिक व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। तो मतलब एक प्रमुख स्थान उसे दिया जाता था कि आप यह काम करोगे, आप इस जाति को, तो वही काम आप करोगे। फिर देखा है जिसका प्रभाव राजनीति पर प्रत्यक्ष, राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था। अब भी पड़ेगा ही, हरिजन का जो नीचे जाति के हैं वो राजा थोड़ी बन जाएंगे, इसका मतलब क्या, राजनीति, राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता था। फिर देखा है समाज में जाति के आधार पर वर्णों, श्रम धर्म का निर्धारण होता था, इसी आधार पर प्रत्येक वर्ण को विशिष्ट कार्य सौंपा गए थे। मतलब प्रत्येक जो वर्ग थे उनके लिए इसी कारण क्या कर दिए गए थे भाई, विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। आप जो कार्य कर रहे हो, आपकी जाति के अंदर जो कार्य आता है वही आप कार्य करोगे। फिर देखा यह देखना राजा को कर्तव्य था, यह देखना किसका कर्तव्य था, राजा का कर्तव्य था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को अपने वर्णों के आधार पर करे, जिस वर्ग के अंतर्गत वह आता है वही कार्य वह करेगा, इसका देखना कर्तव्य किसका था, राजा का। फिर देखा जाति एक निर्धारक स्थिति थी, जाति क्या थी, एक निर्धारक स्थिति थी, अर्थात राज्य में व्यक्ति के कर्तव्यों को राजा द्वारा जाति के आधार पर नियंत्रित किया जाता था। वही बात यहां पर कही गई है कि नीचे जाति के लोग नीचे काम करेंगे, ऊंची जाति के लोग ऊंचा काम करेंगे। ठीक है भाई, वही हो जाती है हेडिंग सेकेंड, राजनीति एवं जाति आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हेडिंग नंबर थ्री की ओर। हेडिंग नंबर थ्री की बात करते हैं राजनीतिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन और धर्म की बात करते हैं, राजनीतिक जीवन और धर्म की यहां पर बात होगी अब। ठीक है, देखो देखा है प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय, यहां पर दैवीय होगा, दैवीय सिद्धांत को, किसको, दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। मतलब प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी, इसके अनुसार राजा की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की थी। वही बात यहां पर कही जा रही है कि राजनीतिक जीवन और धर्म, मतलब जो राजा है उसका बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, ये यहां पर मतलब दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक ही बनेगा, और जो होते हैं कर्मचारी उनका बेटा कर्मचारी ही बनेगा। तो ठीक है, ये किससे रिलेटेड था, के अनुसार राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की थी। ठीक है, बात करते हैं इस दौरान शास्त्रों और परंपराओं में मानव जीवन को संचालित करने के लिए व्यवस्थाएं थी, मानव जीवन को संचालित करने के लिए व्यवस्थाएं थी, और वास्तविक जीवन में थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वास्तविक जीवन में उनके रूप में परिवर्तित हुआ, उनके रूप में परिवर्तित हुआ व उनसे व्यक्तिगत हितों ने स्थान ले लिया। धर्म और शास्त्रों की व्याख्या को व्याख्याकारों ने, धर्म और शास्त्रों की व्याख्या को व्याख्याकारों ने इस तरह से व्याख्यातीत किया कि समाज व राजनीतिक जीवन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। मतलब पहले जो राजा थे उन्होंने इस प्रकार से राजनीति बनाई थी कि हमारा जो बेटा होगा वो राजा ही बनेगा और सैनिक का बेटा सैनिक ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाई थी, राजनीतियां यहां पर बनाई थी। वही रखा है कि व्याख्यातीत किया कि समाज व राजनीति जीवन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें, वरना सैनिक का बेटा भी राजा बन सकता था और प्रजा का बेटा भी राजा बन सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं फोर वाले के लिए, हेडिंग हो जाती है फोर, फोर हेडिंग क्या है, राजशाही सरकार के सामान्य रूप में, राजशाही सरकार के सामान्य रूप में ये हमारी हेडिंग हो जाती है। अब हम डालेंगे, अब हम देखेंगे इसमें है क्या। ठीक है, बात करते हैं प्राचीन भारत में राजशाही एक सामान्य राज्य
व्यवस्था थी। जो राजशाही है मतलब प्राचीन भारत में राजशाही एक सामान्य राजशाही व्यवस्था थी। समाज की वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय वर्ग को राज्य में सत्तारूढ़ किया, क्षत्रिय वर्ग को राज्य में सत्तारूढ़ किया जाता था। इन्हें शासन सत्ता मिलने से राज्य में राजशाही का विकास हुआ और यह एक सामान्य शासन व्यवस्था बन गई। भाई कह रहा है एक सामान्य शासन व्यवस्था बन गई। भाई यह जो ऊपर मैंने बताया वही रिपीट हो रहा है, मगर बस क्या है घुमा फिरा कर यहां पर दे रखा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये हेडिंग हमारी हो जाती है लास्ट 5 हेडिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा। राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में। अब राज्य जो है, राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में, मतलब राज्य जो था उसके अंदर बहुत ही कह सकते हैं अच्छाई भी थी, बहुत सारी अच्छाई भी थी, जिनमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है वो आप यहां पर देख सकते हो। मतलब राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में, तो मतलब भारतीय राजनीतिक विचारों ने, जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने कहा है कि सदैव ही राज्य की महत्ता का वर्णन किया है। उनने महत्ता का उसका वर्णन किया है कि विचारों का मानना था, सॉरी विचारों का मानना था कि मानव जीवन के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। मानव जीवन कितने हैं? तीन लक्ष्य हैं। एक है धर्म, अर्थ और काम, जिन्हें राज्य के अभाव में हासिल करना असंभव है। राज्य के अभाव में हासिल करना असंभव है। किसमें? अगर आपको धर्म को देखना चाहते हो, अर्थ को देखना चाहते हो और काम को देखना चाहते हो तो राज्य के अंदर आप देखिएगा, राज्य के अंदर जिसका जो राजा होता है अगर वह वहां पर अपना राज करता है तो वहां पर धर्म भी देखने को मिलेगा आपको, अर्थ भी देखने को मिलेगा और काम भी देखने को मिलेगा। अगर राज्य का अभाव है तो आपको ये सारे की सारे जो हासिल करना है वो क्या है? असंभव है। ना आपको धर्म के अभाव देखने को मिलेंगे, ना अर्थ मिलेगा, ना ही आपको अच्छा काम मिलेगा। तो ये देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बात। ठीक है तो यहां पर हो जाते हैं हमारी 5 हेडिंग है। 5 में से अगर आप 4 भी हेडिंग कर सकते हो, ठीक है 4 भी हेडिंग कर सकते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है तो 5ों की 5 आपको याद होनी चाहिए। पहला हो जाएगा राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में, आप लिख सकते हो आराम से। और देखो यहां पर 4थी थी राजशाही सरकार के सामान्य रूप में, ये भी आप लिख सकते हो, ये हेडिंग बना सकते हो आप। राजनीतिक जीवन और धर्म के बारे में आ सकते हो, बहुत सारी हेडिंग बना सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है अपनी तरफ से अगर आपने थ्योरी पढ़ ली अच्छे प्रकार से तो आप बहुत सारी हेडिंग बना सकते हो कि प्रजा, ठीक है सैनिक, मतलब कह सकते हैं क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंश सैनिक के रूप में, इस प्रकार से भी हेडिंग आप बना सकते हो। तो इसमें बहुत सारी हेडिंग बना सकते हो, 4 से 5 हेडिंग अच्छी वाली लिख दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, मगर इन हेडिंग को आप याद करना चाहो तो इन हेडिंग को याद कर लो, ये बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ठीक है और बना सकते हो तो भी बना सकते हो आराम। 4 से 5 हेडिंग लिखना है, बाकी हेडिंग 4 से 5 ही चल जाएंगी। और जाता है उच्च वर्णों द्वारा शासन का संचालन भी हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से आपके यहां पर क्वेश्चन हो जाता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको अब कंटिन्यू मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।